प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसका जवाब पीएम मोदी ने अयोध्या से लौट कर दिया है। पीएम ने राष्ट्रपति के प्रेरणादायी शब्दों के लिए आभार व्यक्त किए हैं। तो बहुत ही एक खास पल था और अद्भुत पल जब प्राण प्रतिष्ठा रामलला के दरबार में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक पत्र उन्होंने लिखा था और इस पत्र का भी जवाब अब दे दिया है। पीएम ने राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया, अयोध्या से लौटकर उन्होंने पत्र का जवाब दिया और साथ ही अपने अनुभव को भी उन्होंने पत्र के जरिए साझा किया। प्रेरणादायी शब्दों के लिए आभार तक उन्होंने जताया है। बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी द्रौपदी मुर्मू ने बकायदा ट्वीट कर पीएम मोदी को इसके लिए शुभकामनाएं दी थी कि इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बनने जा रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं और कई सालों का सपना साकार हो रहा है, कई सालों का वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या में प्रभु रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान हो गए हैं। पूरा देश राममय हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश दुनिया की बड़ी हस्तियां अयोध्या में मौजूद रहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर पर मौजूद रहे। राम की भक्ति में डूबे अंबानी परिवार ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सामाजिक कार्य किए। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हो गए। 22 जनवरी का दिन सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस पल के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां रामलला के दर पर पहुंची थी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अम्बानी भी अपने परिवार समेत इस पल के गवाह बने। अंबानी परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, पूरा देश दिवाली मना रहा है। हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। January 22 राम दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष के लिए। आगे प्राण प्रतिष्ठा के महासमारोह में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी श्लोका के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। साथ ही छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। इस मौके पर पति आनंद पिरामल के साथ पहुंची ईशा अंबानी भी बेहद खुश दिखाई दी। ईशा अंबानी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को अपने जीवन का सबसे खास दिन बताया। कार्यक्रम के दौरान अंबानी परिवार खासा उत्साहित नजर आया। Today is one of the most sacred days for us and we are just overjoyed to be here. Thank you. रामलला के दर्शन के बाद आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए के दान दिए। श्री राम की भक्ति में लीन अंबानी परिवार ने एक दिन पहले से ही मुंबई में अपने निवास एंटीलिया को राममय बना रखा था। पूरी बिल्डिंग राम के रंग में जगमगाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, अंबानी परिवार की ओर से मुंबई में अन्य सेवा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। रामलला के आने की खुशी में अंबानी परिवार इस कदर खुश था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के सभी ऑफिसेज में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।